वीडियो हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्टरी वीडियो था हमारा, तो कॉमर्स क्या है, कॉमर्स में कैसे हम सिलेबस चलाते थे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेंगी 11th और 12th में, थोड़ा डिस्कशन किया था हमने कोर्स के बारे में, आपका 11th का कोर्स कैसा रहेगा, 12th का कोर्स कैसा रहेगा, ये सब बातें की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे हम क्या अलग करवाते हैं। एक मैंने बताया था कि सिलेबस के अलावा प्रैक्टिकल लर्निंग का जो एस्पेक्ट है हमारा, वो अप्लाई करने के लिए हम कॉमर्स क्लब एक यहाँ पे चलाते हैं। कॉमर्स क्लब के लिए मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था, उस वीडियो में बताया था कि पूरा डिटेल में आपको दूंगा। तो ये वीडियो स्पेशली ये समझाने के लिए है कि कॉमर्स क्लब में हम क्या क्या एक्टिविटीज करवाते हैं। देखिए, अभी आप किसी भी कॉमर्स वाले को पूछ लीजिए, किसी भी ग्रेजुएट लड़के को पूछ लीजिए, स्टूडेंट्स को पूछ लीजिए, तो कोई भी 90% स्टूडेंट्स जो जिसने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, उसको भी अगर आप बोलोगे कि एक फॉर्म का अकाउंट लिखना है, तो वो शायद नहीं लिख पाए। वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड अकाउंट सीख रहे हैं, कोई सम सीख रहे हैं, इंडिविजुअल एस्पेक्ट से सीख रहे हैं, कंबाइंड कलेक्टिवली नहीं सीख रहे। ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि बस एग्जाम के लिए सीखो, मार्क्स कैसे आए, कौन से चैप्टर में क्या ज्यादा मार्क्स है, तो क्या हम कैसे स्कोर अचीव करें, सिर्फ इतना ही हो रहा है मार्केट में। इसीलिए हम यहाँ पे, मेरा यहाँ पे ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जब अकाउंट सीखे तब आप पूरा फोकस अपने सब्जेक्ट पे करें, आप अपना पूरा फोकस है जो सब्जेक्ट सीखने का, कलेक्टिवली अकाउंट सीखे, तो मेरी गारंटी है कि आप एक साल में, एक इलेवंथ में, ऐसा सिलेबस ही है ऐसा फ्रेम किया हुआ कि एक साल में इलेवंथ पूरा होने तक आपको अपना कोई एक फॉर्म का अकाउंट लिखना आना चाहिए और वो आ सकता है। ठीक है, ये तो सिलेबस की बात हुई। सिलेबस के अलावा कई सारी एक्सपेक्टेशन होती है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो मार्केट में कॉमर्स वालों को आना चाहिए, तो यही एस्पेक्ट से, यही रिगार्डिंग हमने कॉमर्स क्लब की यहाँ पे कॉमर्स क्लब फ्रेम किया है, जिसमें स्टूडेंट्स कई सारी एक्टिविटी करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूँ जो हमने लास्ट ईयर पूरे साल एक्टिविटी की हुई है। पहला, हम सिलेबस स्टार्ट होने तक, हमारा जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट होने में पहला ही हम एक एक्टिविटी करवाते हैं जिसका नाम है कॉर्पोरेट इंटरव्यू। कॉर्पोरेट इंटरव्यू में हम प्रैक्टिकली एक डेमो क्रिएट करते हैं जिसमें कोई बाहर से स्कॉलर पर्सन आके वो इंटरव्यू लेते हैं। लास्ट टाइम हम एक सीए धैर्य मेहता और एक पीएनबी के मैनेजर, वो दोनों यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए थे। तो वो आने के बाद तो जो भी एक कॉर्पोरेट में, कोई भी एक कंपनी में अगर कोई आप अप्लाई करना चाहो, कोई इंटरव्यू देना चाहो, तो वो कैसे आप फेस करोगे, उसकी प्रैक्टिस हम इस एक्टिविटी में यहाँ पे करवाते हैं। पूरे कॉर्पोरेट व्यू से, कॉर्पोरेट अटायर में आपको वहाँ उस एक्टिविटी में आपको एक रिज्यूम बनाना है, आपको एक अपना पूरे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में यहाँ पे आना है। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो लिटरली सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे सिखाई जाती है। कोई बाहर से इंटरव्यू लेने आता है और वो आपका इंटरव्यू लेके जाता है। तो ऐसे ये एक्टिविटी बहुत ही सक्सेसफुल रही है हमारी, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में सीखने को मिली है स्टूडेंट्स को। उस एक्टिविटी में दो राउंड होते हैं, पहला सीवी बना के जो भी आते हैं स्टूडेंट्स, उसके बीच में ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें मार्क्स मिलते हैं उसको, फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पर्सनल इंटरव्यू भी वो फेस करते हैं। वो बहुत ही सक्सेसफुल एक्टिविटी रही है। उसके बाद हम दूसरे मंथ में हमारे यहाँ बायोग्राफी ऑफ सक्सेसफुल पर्सन, बिजनेस टाइकून होते हैं, सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, जो भी कॉरपोरेट वर्ल्ड के हो या फिर कोई भी एक कॉमर्शियल सेक्टर के सक्सेसफुल पर्सन है, वो लोग
अपने बायोग्राफी में या फिर उसकी बायोग्राफी हम स्टडी करते हैं, स्टूडेंट्स एक एक अपना सक्सेसफुल पर्सन सिलेक्ट करते हैं, आइडियल पर्सन सिलेक्ट करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे प्रेजेंटेशन देते हैं। तो उसके आइडिया, उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी कॉरपोरेट उसकी कंपनी चलाने की स्ट्रेटेजी, वो सब वो सीखते हैं और सब क्लास में शेयर करते हैं। उसके बाद हमारी एक्टिविटी आती है बैंकिंग प्रोजेक्ट। तो वो प्रैक्टिकली सब स्टूडेंट्स के अकाउंट्स खुलेंगे बैंक में, बैंक का फिर यहाँ से एक टास्क मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगा कि कौन कौन सी बैंकिंग की एक्टिविटी हो सकती है, और वो मार्केट में जाके वही बैंक में जाके वो सारी एक्टिविटी पूरी करते हैं, वो टास्क पूरा करते हैं, उसके ऊपर से वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं। उसके बाद आता है कॉमर्स क्लब के अंडर में इंडस्ट्रियल विजिट। आपके सिलेबस में एक इंडस्ट्रियल विजिट कंपलसरी है, लेकिन हमारे यहाँ पूरे साल में मिनिमम 3 विजिट होती है। लास्ट टाइम भी हम यहाँ पे एक सॉफ्ट फैक्ट्री में गए थे, फिर बालाजी में गए थे, ऐसे लाइक अदानी कोई भी जैसी कोई भी कंपनी है वहाँ पे हम इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं, प्रैक्टिकल प्रोडक्शन कैसे होता है वो सीखने को मिलता है। वैसे भी ये सिलेबस का भी एक पार्ट है, लेकिन सिलेबस में एक बार इंडस्ट्रियल विजिट है हम ज़्यादा बार करवाते हैं। उसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन कोई भी न्यूज़ के ऊपर अगर इन बिटवीन हो तो हमारा लेक्चर, जो भी कॉमर्शियल क्लब का लेक्चर है उसमें भी हम ये परफॉर्म करते हैं, और अगर कोई बड़ा टॉपिक हो या फिर कोई स्पेशल इवेंट हो तो हम अलग से भी ये परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे कॉमर्स क्लब में पीपीटी प्रेजेंटेशन का भी एक डे आता है, हम सेलिब्रेट करते हैं। पूरे क्लास को हर स्टूडेंट्स अपना अपना एक टॉपिक, ये स्पेशल इकोनॉमिक्स में होता है, बीएस में होता है, अपना इकोनॉमिक्स का कोई भी एक टॉपिक लेके वो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके, पीपीटी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके कॉर्पोरेट अटायर में आके यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। ग्रुप में भी आ सकते हैं, इंडिविजुअल भी आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस के अलावा कोई बोरिंग एक्टिविटी के अलावा भी एक एडवेंचरस कैंप भी होता है। लास्ट टाइम हम ओखा गए थे मरीन कैंप में, 3 दिन का मरीन कैंप होता है, वो भी है कॉमर्स क्लब का एक पार्ट है। तो ऐसे कई सारी एक्टिविटीज ऐसी है जो हमारे बुक में या फिर हमारे सिलेबस में कभी भी इंक्लूड नहीं होती, जो हम मार्केट में सीखते हैं, प्रैक्टिकली सीख सकते हैं, और बहुत ही हेल्पफुल होता है कॉमर्स एज ए कॉमर्शियल पर्सन के लिए। आपने देखा पर्सन इंटरव्यू की प्रैक्टिस हम करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस यहाँ पे करवाते हैं, बैंकिंग पूरा यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो ऐसे कॉमर्स के कॉमर्शियल क्लब के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा स्पेशल वीडियो था कॉमर्स क्लब के लिए। ये सारी एक्टिविटीज़ हम 11th में ही करवाते हैं, फिर 12th में पूरा फोकस हमारा 12th पे रहता है। तो फिर 11th में ये सारी चीज़ें जो मार्केट में यूजफुल रहती है वो हम सिखाते हैं। थैंक यू।